बिना ट्रक को हिलाए हुए ट्रैक्टर बिल्कुल ओवरटेक कर रहा है ध्यान से। यही खास बात हमारे इंडियन ट्रैक्टर की, कहीं भी पहुंच जाते हैं, कहीं से भी निकल जाते हैं, कोई भी चला लेता है, किसी भी सड़क पर चल जाते हैं। और ये खास तौर से इंडियन रोड के लिए बना हुआ इंडियन ट्रैक्टर। और ये ट्रक भी आप देख सकते हैं, मर्सिडीज का ट्रक भी देखिए। ये देखिए ट्रैक्टर ने बैक गियर लगाया, पता नहीं क्या पहले आगे गलती से निकल गए थे कि वो जानबूझ के उठाया हुआ कदम था। और अभी ट्रैक्टर और ट्रक में कहीं आपस में लड़ाई तो नहीं हो जाएगी, इसका डर हमें। हाँ तो विशेष अगर आप अपने कुछ बताना चाहेंगे कि कानपुर शहर कैसा लग रहा है आपको शहर बिजनेस पर्पज़ के लिए? ये शहर बहुत ही अच्छा है, जैसा कि आप जानते हैं इसे मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। और यहाँ पे आपकी मार तमाम टाट मिल हैं, तो इतनी अच्छी टेक्सटाइल की इतना ज़्यादा स्कोप है। साथ ही साथ आप एक चीज़ देखें, अगर आप यहाँ पे कोई भी बिजनेस करें, हालांकि आप मेरे को पता है टेक्सटाइल में बहुत इंटरेस्टेड हैं, इसके अलावा भी आप कोई बिजनेस करें तो इस शहर की इतनी जनता है कि आपका सारा सामान डिमांड तो पहले इतनी ज़्यादा है कि आप उतना सप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इस शहर में कोई भी बिजनेस करें बहुत प्रॉफिट वाला है। और खासतौर से BSG गेम खेलने के बाद आपको पता चल चुका है किस तरह से प्राइसिंग करनी है, किस तरह से कॉस्ट करनी है। BSG गेम, सप्लाई डिमांड की बातें, प्रॉफिटेबिलिटी, क्या विशेष अगर आप, ये MBA का असर है कि आप बचपन से ही ऐसे थे? नहीं नहीं, ये MBA ने मेरा एकदम ही व्यू बदल दिया, नया नज़रिया दिखाया है दुनिया का। जो चीज़ें मैं कभी सोच भी नहीं पाता था अब वो पता चल चुका है कि वो सोचने भी नहीं चाहिए, लेकिन MBA वो दिखा देता है कि आप ऐसा करिए तो ये हो जाएगा। हालांकि इस BSG गेम ने बता दिया है कि इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए एक बात BSG गेम की बहुत सही है, क्योंकि बिजनेस सिर्फ नंबर का खेल नहीं है, बिजनेस में कई बातें चाहिए होती हैं जो शायद BSG गेम नहीं दिला पाएगा। फिर भी एक BSG गेम ने इतना तो बता ही दिया है कि अनएथिकल लोग भी खूब अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो जाते हैं। कई बार ऐसी चीज़ें आपको अपनानी पड़ती हैं ज़िंदगी में जो कि आप सोचते हैं कि आप नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी आप करते हैं और आप देखते हैं कि आप अपने कंपटीटर्स जो कि आप एथिकल हैं, मॉरल हैं, उनसे कहीं आगे निकल जाते हैं। बहुत सही बात कही अभिषेक शेखर ने, जो कि हमारे कैमरे में बिल्कुल छाए हुए हैं। और इसके साथ ही हम आपको एक नज़रिया दिखाना चाहेंगे अपने वर्कर्स का जो लगातार रात दिन काम कर रहे हैं रेक बनाने के लिए। वर्कर्स बिल्कुल अब देख रहे हैं, अभी तो फिलहाल 2 वर्कर है, बाद में 200 वर्कर दिखाई देंगे। और भी वर्कर हैं, आप थोड़ा उधर देखिए। हाँ उधर दिखाइए और उधर देखिए, उधर से भी वर्कर आ रहे हैं, बहुत दूर दूर से वर्कर, दूर दूर से वर्कर, देश विदेश से वर्कर आ रहे हैं यहाँ पर काम करने के लिए। हमने यहाँ पे कई अंग्रेज वर्कर भी रखे हैं। अच्छा अच्छा, क्योंकि ये कहा जाता है कि आप बड़े सस्ते बिहारी वर्कर से काम करा रहे हैं, तो हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा काम, आपको हम अंग्रेज वर्कर्स भी दिखाएंगे, अंग्रेज मजदूर। आपने देखा होगा कि इंडिया आउटसोर्सिंग के लिए फेमस है, अब हमने क्या किया है, हम इनसोर्सिंग कर रहे हैं वर्कर्स की फ्रॉम अमेरिका, यू और ब्रिटेन, तो वहाँ के लोगों से हम काम करवाएंगे। ये बहुत, तो ये ऑयल रिग का एकदम बिजनेस मॉडल ही अलग है, आप समझ रहे हैं। बहुत अच्छी बात, सोने की चिड़िया कहा जाने वाला देश शायद दोबारा से वो खिताब हासिल कर पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, अब यहाँ पे बिजनेस मॉडल ही चेंज हो जाएगा, बिजनेस मॉडल ही पूरा चेंज कर दिया जाएगा, अंग्रेजों से मजदूरी, और हमारे ये जो वर्कर्स हैं ये मैनेजरियल लेवल पे होंगे और ये उनको संभालेंगे। देखिए बहुत ही सही बात, वर्कर्स को मैनेजर बना दिया गया है, अब कंपनी कहाँ जाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल उम्मीद की जा सकती है कि कुछ जो भी होगा अच्छा ही होगा। इस इंडस्ट्री में ध्यान दीजिए, वर्कर्स भी मैनेजर होंगे और मैनेजर्स भी वर्कर होंगे, ये खास बात रहेगी इनकी इंडस्ट्री की। इक्वालिटी पे काफ़ी जोर देते हैं ये हायरार्की में विश्वास कम ही करते हैं, विश्वास नहीं रखते। दूसरा हम एक फॉर्मूला अपना रहे हैं, यहाँ पे ये प्लांट इस तरह से अलग होगा कि वर्कर्स की जो पे होगी वो बहुत कम होगी। और वर्कर्स कौन होंगे, ये होंगे हार्वर्ड के MBA स्टूडेंट्स को हम वर्कर्स बनाएंगे, और ये हमारे वर्कर्स, एक्सपीरियंस वर्कर्स हैं, ये मैनेजर्स होंगे। तो आप समझ रहे हैं, हार्वर्ड के जो MBA आ रहे हैं उनसे हम यहाँ पे काम करवाएंगे। तख्ता ही पलट कर दिया इन्होंने तो पूरे बिजनेस मॉडल का, पूरा एक नया स्वरूप अब बनेगा इस रिग के साथ। ये रिग हार्वर्ड के लोग मैनेजर नहीं, वर्कर ज्यादा अच्छे हैं, ये संदेश देना चाहते हैं हमारे अभिषेक शेखर। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के लिए भी बुलवाएंगे, उनकी इंटर्नशिप के लिए हम यहाँ पे उनसे काम करवाएंगे, खुदाई करवाएंगे और प्लांट बैठवाएंगे अपना। ये देखिए बहुत, प्लांट बैठवाने के बाद हम उन्हें वापस भेज देंगे। सदे हुए इरादे हैं अभिषेक शेखर के, प्लानिंग सेट है। सिर्फ पहले ही हमारी इंटर्नशिप में बहुत सारे हार्वर्ड के स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं। ये देखिए 24 आवर्स सेफ्टी, चौकन्ने लोग, चौकन्नी सेना, देश की रक्षा करते हुए यहाँ एंटी कांड की रक्षा करते हुए हमारे नौजवान। और इसी के साथ आप देख सकते हैं खूबसूरत फवारा, अच्छा खूबसूरती बहुत कम जगह बची है, लेकिन यहाँ भी अभी थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं नेचर में खूबसूरती ढूंढनी पड़ती है अब इंसानों में नहीं मिले तो, और हमने ढूंढी निकाली इस नेचर में खूबसूरती। बहुत ही सुंदर फवारा, बहुत ही सुंदर फवारा, ये दृश्य बहुत ही मामरिक है, जब वर्कर दो वक्त की रोटी नहीं सिर्फ एक वक्त की रोटी खाते हैं।
हार्वर्ड के वर्कर होंगे यहाँ पे, आप चिंता ना करें। और ये सब मैनेजर, हमारा मैनेजर देखिए आप पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, देखिए अभी से ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है इन्होंने, वो मैनेजर है जो मैनेजर जो बनेगा आगे वर्कर्स को संभालेगा। आज यहाँ बैठा है, कल ये बिल्डिंग के 10th फ्लोर पे इसका ऑफिस होगा, एसी ऑफिस कंपार्टमेंट, दो सेक्रेटरी, बाकी आप समझदार हैं। शेखर तुम्हें क्या लगता है, ये वर्कर आज खुश है या 10th फ्लोर पर एसी ऑफिस दो सेक्रेटरियों के साथ बैठ के खुश होगा? ये वर्कर आज बहुत खुश है, जैसा कि आप देख सकते हैं इधर उधर देख के अपनी इधर नेचर का एहसास कर रहा है, लेकिन जब आप इसे 10th फ्लोर में बैठा देंगे तब आपकी आप इसकी फ्रीडम छीन लेंगे। बहुत सही बात, उसके बाद ये बेचारा हर वक्त टेंशन में रहेगा और बैठे बैठे मोटा भी हो जाएगा और इसे मार तमाम इधर उधर की बीमारियां लग जाएंगी, प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएंगी, प्रॉब्लम्स, हेल्थ प्रॉब्लम्स, टेंशन, टेंशन, कई तरह की बातें, अनिद्रा, आप जानते ही हैं। हाँ बिल्कुल, और भी मार तमाम बीमारियां। तो इसलिए वर्कर अभी ज्यादा खुश है, नेचर के साथ है, अपनी फैमिली के साथ है, फैमिली के साथ है, जिस एनवायरनमेंट और जिस उसमें पला बढ़ा है उसी में रह रहा है, लेकिन कुछ दिनों बाद आप इसका एनवायरनमेंट बदल देंगे, बदल देंगे, इसे वो काम करने पर मजबूर कर दिया जाएगा जो कैदी आज ना करना चाहे, बट क्या करें, क्या करें, पैसे की लालच, पैसे की भूख आदमी से सब करवा देती है, करवा देती है, लेकिन अभिषेक शेखर का मॉडल अलग ही होगा, हमारा मॉडल ये सब बातें नहीं होंगी, उस मॉडल में इस वर्कर को हम चाहेंगे यहीं पे रखना और इसके अंडर में हम दे देंगे 4 ऐसे लोग जो कि इसका सारा काम कर लेंगे। बहुत अच्छे, और इसकी देखिए लगता है इसने कैमरे बातें ना सुन ली और चल दी है अपनी सीट छोड़ के, शर्मा रहे हैं थोड़ा सा कैमरे मारने के लिए, ये सुन के चल दिए हैं, कहाँ जा रहे हैं पता नहीं, लेकिन होना हो इनको कुछ समझ, कहीं तो जाएंगे ही इंसान जो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे इतना बड़ा प्लांट लगने वाला है, देश विदेश से जनता आ रही है देखने के लिए, बहुत ही सक्सेसफुल प्लांट होगा। अभिषेक आप कहा जाता है कि आप बचपन से ही एक सपना लेके आगे बढ़े हुए हैं, तो इस बारे में क्या ख्याल है, काफी लोगों का सहयोग आपको मिला होगा या रास्ते में दिक्कतें आई, किस तरह की उम्मीद कर सहयोग की उम्मीद करते हैं आप अपने लोगों से? सहयोग बहुत मिला है हमें आज तक, हमारे दोस्त इधर उधर से आके, और भगवान की बहुत कृपा रही है हमारे लिए सॉयल रिक को बैठाने के लिए, और हमें थोड़ी बहुत दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा, जैसे कि यहाँ पे जो हॉस्टल जो हमने तोड़वाया है वो सब हॉस्टल में जनता का विरोध हुआ और जीएच लड़कियों का विरोध हुआ, लेकिन वो सब मान गई, आखिरकार हमारे साथ बड़े बड़े हमारे लीडर्स हैं जैसे कि नेताजी हैं हमारे, विक्रम हैं हमारे, उनने सब कंट्रोल कर लिया, तो जब तक ऐसे लोगों का हमारे साथ सहयोग है तब तक हम सक्सेसफुल बने रहेंगे, और लोगों का सहयोग रहेगा तो हम आगे हमारी रिक बहुत बड़ी बनेगी और हजारों लाखों लोगों को सहयोग रोजगार देंगे। देश की जनता से हम उम्मीद करते हैं आप सहयोग ऐसे बरकरार रहे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप देख रहे हैं ये सारा रिक हमारा बैठने वाला है, बिल्कुल लाल देखिए जमी पड़ी है, कल यहाँ तेल निकलेगा, हमारा तेल वैसे भी निकल रहा है धूप में, फिर भी कोई बात नहीं, करना पड़ता है मेहनत इंटरेस्ट एंटु के लिए, यंग एंटरप्रेन्योर्स, यंग टर्क्स, ये बहुत ही इंग्लिश में कुछ कहेगा अभिषेक शेखर, लेकिन चलो जो कहा होगा अच्छा ही कहा होगा। तो आप समझ सकते हैं ये जो रिग बैठने वाला है देश के लिए कितने फायदेमंद होगा, कुछ ही दिन में हमारा देश इराक ईरान सबसे ज्यादा तेल प्रोड्यूस करेगा और पेट्रोल यहाँ पानी के भाव मिलेगा, जैसे कि आप जानते हैं आजकल पानी का भाव बहुत कम हो गया है, उसी तरह फ्री में हम तेल बांटेंगे यहाँ कानपुर में, तो फ्री तेल मिलेगा आपको, बहुत उम्मीद करते हैं ऐसा बिल्कुल सही हो। अच्छा अभिषेक शेखर आपको अगर बॉलीवुड में जाने का या क्रिकेटर बनने का या